यह शॉर्ट व्लॉग जिसमें मैं रोज़ का वीडियो अपलोड करता हूँ, जिसमें मैं अपना रोज़ का काम यहाँ पे अपलोड करता हूँ, क्या क्या मैंने काम किया है। और कल मैंने आपको बताया था कि माँ शेरा वाली जगह श्रृंगार है, वो मैंने आज करना है, वो मैंने आज किया, वो आगे देख पाओगे। और कल वाली वीडियो आप मानोगे नहीं, मैंने यहाँ पे अपलोड की है यूट्यूब पे 2:30 बजे रात को। मैंने कल मैं पार्टी पे गया था, बर्थडे पार्टी पे था मैं। देखो हिंदी की धज्जियाँ उड़ रही हैं, और प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। और मैं कल रात को 1 बजे आया घर पे, और पूरियाँ गालियाँ खा के घर वालों से, तो गालियाँ खा के मैंने 2:30-3 बजे मैंने अपलोड किया। आप देख पाओगे आगे, तो आप सभी से माफ़ी है, अभी मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, प्लीज़ तो आप चला लेना यार काम। और आगे आपको देखने को मिलेगा, मैंने माँ शेरा वाली जी का श्रृंगार किया है, और क्रिस्टल वर्क किया है, और सिवरोस्की का जिसे बोलते हैं काम। एक और अमेजिंग सी बात है, जहाँ पे मैंने माँ शेरा वाली जी का श्रृंगार किया वहाँ पे एक छोटी सी लड़की थी, प्यारी सी, और कमाल की, वो तो बहुत ही इंटेलिजेंट थी सच में। और दूसरी बार उनके मैंने बारबी डॉल का श्रृंगार किया, वो बहुत ही खुश हुए जब मैंने उनको करके दिया। और आगे आप देख पाओगे मैंने कैसे किया है, और सभी बने रहिए अंत तक वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे और सब्सक्राइब। रात की बहुत सारी गालियों के बाद मैं लेट उठा, और उठ के मैंने खाए परौंठे मक्खन के साथ, और लिया दूध का गिलास, और खाते खाते भी गालियाँ पड़ रही थी। और तो तैयार होके मैं चल रहा, नीस मेरे को बोली चाचू जेली वाले बिस्किट लेके आना। और ये सुन के हम पहुँच गए काम पर। यहाँ पे भी बहुत छोटी सी गुड़िया थी, बहुत ही क्यूट थी, और बहुत ही इंटेलिजेंट। ये है माँ शेरा वाली जी, जिनका मैंने आधा काम किया था श्रृंगार का। वार्निश करने के बाद इनके ऊपर मैंने क्रिस्टल का काम किया, जैसे सिवरोस्की का बोलते हैं काम। आप सभी कीजिए दर्शन माँ शेरा वाली जी के। इनके एक्चुअली फीचर्स इन्हें इतने अच्छे नहीं होते, तो इसीलिए इनके ऊपर एमसील का काम करके बहुत अच्छा बनाना पड़ता है। तो आपके साथ मैंने कल शेयर की थी छोटी सी वीडियो इनके ड्राइंग रूम के, जहाँ पे वुडन का वर्क किया हुआ था, पेंटिंग का। इनसे मैंने पूछा ये क्या है, ये जो आर्ट है ना, ये आर्ट आया है बॉम्बे से बंदे आए थे ये आर्ट करके, बहुत ही अट्रैक्टिव आर्ट है, दिल को छू गया। अब बारी है बारबी डॉल की, छोटे से बच्चे वो आए, वो कहते हैं कि मुझे बारबी डॉल का श्रृंगार करवाना है, इनकी आईज़ वाइज सब बना दो भैया। पहले एक्चुअली धजी उड़ी थी लाल लूल पैनल लगा के, अब मैंने इनको पेंट किया, वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत ही खुश हुए, कहते हैं बहुत ही अच्छी बारबी बन गई। तो बारबी के साथ दूसरी बारबी भी थी, तो यहाँ पर मैंने दोनों को वार्निश कर दी। इनकी कंडीशन तो ठीक थी पर उनकी अच्छी नहीं थी। हम पहुँचे घर पे मूर्तियाँ लेके, तो इनके यहाँ पे श्रृंगार करके आया था, तो वो कहते हैं कि भैया हम दो मूर्तियाँ घर पे ले जाइए, वो श्रृंगार कर दीजिए, वो मैं इनको दूंगा, हफ्ते तक दूंगा, वो भी आपको श्रृंगार करके दूंगा। ये है माँ शेरा वाली जी, और ये हैं शिव परिवार जी। बहुत उनकी हालत थोड़ी सी खस्ता है, उनके ऊपर रस्टिंग हो चुकी है। पीतल है, पीतल में कॉपर भी पड़ता है, जैसे तांबा बोलते हैं, तांबे को जो रस्टिंग होती है वो ग्रीन कलर की होती है। पहुँचे घर पर, नीस के साथ खेला, और अब करने लगे एडिटिंग। और सभी को राधे राधे, सब्सक्राइब करना मत भूलना।